हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस है, तो आइए चलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों को लेंगे और बहुत ही शानदार और आसान तरीके से हम इसे बीट करेंगे क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक टाइप का एक क्वेश्चन होगा और इसमें हम पूरे 6 टाइप कवर कराएंगे टाइम एंड डिस्टेंस के, और बाकी टाइप अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पर और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर दूरी तय की, कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बाकी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब लाएंगे औसत चाल, ये हमारी बाकी ये चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एवरेज चाल निकालेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल निकालते हैं, चाल बराबर दूरी बटे क्या होगा हमारा समय। दूरी कितनी हमारी 75 और चाल कितनी हमारी 7 घंटे, तो ये क्या होगी भाई, चाल कितनी होगी 75/7। अभी दोस्तों, 7 को ख़त्म करना है, तो करना क्या होगा, 7 से गुणा यहाँ कर दीजिए और 7 से गुणा यहाँ कर दीजिए और 7 से यहाँ कर दीजिए। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये कितने हो गया 12/7 84 किलोमीटर प्रति घंटा और 7/2 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हमारा एवरेज कितना आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से चाल का हम दोस्तों, यहाँ पर जो रेशियो आएगा किसका आएगा, यहाँ अगर मिनट है तो मिनट का आएगा, जहाँ घंटे है तो घंटा आएगा, यहाँ सेकंड है तो सेकंड का आएगा। क्या है हमारे यहाँ पर घंटे, तो यहाँ पर घंटे का रेशियो होगा हमारा, घटा लीजिए 5 और 84 में 75 गया तो कितना 9, 5 घंटे और 9 घंटे, ये क्या हमारा टाइम का रेशियो आ गया, क्या टाइम का रेशियो आ गया। सवाल को टाइम दे रखा कितना 7 घंटे और यहाँ टाइम कितना आएगा हमारा 5 और 9 कितना 14 घंटे, 14 बराबर कितना हमारा सवाल में 7, तुलना कर देंगे 1/7/14 काट दीजिए, 7 × 7 = 14, 1/2, 1 का जो वैल्यू आया कितना 1/2 आया। अब दोस्तों, ये हमारा रियल टाइम नहीं है, रियल टाइम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 1/2 कर देंगे यहाँ पे और 1/2 कर देंगे, 1/2 5/2 और 9/2 करना क्या है। अब ये वाली दूरी कौन सी पूछी उसने, जो दूरी पूछे निकाल देंगे, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसने कितनी दूरी तय की, तो चाल मारी ये तो कर दो, दूरी हुआ 4 गुना समय, चाल देर की 12 और समय लगा 5/2 काट दो, 6 × 12 और 6×5 = 30 कितना 30 किलोमीटर। देखते हैं ऑप्शन, इसका सी इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सवाल में एक से अधिक चाल हों तो वहाँ पर एलसी मेथड का प्रयोग करेंगे, तो देखते हैं एलसी मेथड क्या है हमारा। जब 2 चाल हों उसके लिए अलग तरीका होगा, तो पहले ये कराएंगे, जब 2 चाल हों उसके लिए अलग तरीका, उसको नेक्स्ट सवाल में लेंगे। तो देखते हैं, जब सवाल में एक से अधिक चाल हों, एक हों, 2 हों 3 हों 4 हों, 2 के लिए भी अप्लाई होगा पर 2 के लिए लगाएंगे, ठीक है, 2 से अधिक हों चालें। देख लेते हैं, एक व्यक्ति 3 समान दूरियाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3, 4 और 5, अब दूरी निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा हमारा पर किलोमीटर प्रति घंटा है, समय पता है हमें, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 12, एलसीएम निकालना आप जानते हो, निकाल लीजिए, कितने बार आ गया हमारा जी 20 बार और ये 15 चौका 60 और 12×5 = 60, तो ये क्या आएगा हमारा समय। अब ये कितने घंटे हो गए हमारे, 20 और 15 = 35 और 12 = 47 47 घंटे, और सवाल में कितने घंटे दे रखा है दोस्तों, सवाल में दे रखा है हमारा 47 मिनट, ये हमारे घंटे हैं और ये मिनट है, तो इसको मिनट में बदल दो, कर दो, कितना आ गया हमारा 1/2 कितना आ गया हमारा 60, गुणा करो यहाँ पर 1/60 आ गया, कितना 60 घंटे, क्योंकि ये मिनट में था हमने घंटे बदल दिया। अब करना क्या है, जितनी दूरी है उतनी दूरी और जितना समय लगा है उतना समय और जितनी चाल है, चाल कितनी है 1, 2, 3, तो 3 से कर दें गुणा, अगर चाल है 4 होती 4 से करते, चाल है 5 होती तो 5 से करते, तो 60 से 60 कैंसिल कितना आ गया 3 किलोमीटर की क्या होगी 3 km इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा इसका, तो कुल दूरी कितनी है इसकी
तीन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 10 बजे कितना? 10 बजे और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से एक घंटा पंद्रह मिनट बाद। उसका जो छोटा भाई है क्या वो कैसे में चला है? 10 बजे चला है। और उसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद चला है, तो कितने बजे चला भाई? 10 बजे में 1 घंटा 15 मिनट ऐड करेंगे तो 10 11 11 15 पे कौन चला होगा? उसका बड़ा भाई किससे होगा? बजे क्या? स्कूटर से। आगे देख लेते हैं, मिनट बाद उसी रास्ते से चलकर अपरा मतलब दोपहर 1:30 पर उसे लड़के को पकड़ लेता है। 1:30 पर कितने पर? 1:30 पर, 1:30 पर पकड़ लेता है। अब देखो ये 10 बजे चला था और 1:30 पर यहाँ पहुँच गया, तो इसने समय कितने लिया होगा? तो दोस्तों यहाँ से क्या निकालेंगे? दूरी निकालेंगे, समय। यहाँ समय निकल जाएगा और हमारे पास चाल है, या समय चाल चल गया तो दूरी भी निकालेंगे, ठीक है। इसने इतनी दूरी तय करेगी, वही दूरी क्या ये तय करेगा, और इतनी दूरी तय कर लेगा और उस समय उसे पकड़ लेगा। तो आइए चलते हैं, टाइम देखते हैं टाइम कितने। ये पहले ने, ये तुम्हारा सेकंड है इसका, ये इसका छोटा भाई है, बड़ा भाई है। तो छोटे भाई द्वारा लिया गया समय कितना है? 10 बजे चला था और 1:30 मतलब यहाँ लिख लो रेलवे वाला समय कौन सा तुम्हारा? 24 घंटे वाला समय ले लो। 1:30 मतलब 13:30 घटाओ 10:30 में 13:30 घटाएं तो तुम्हें चाहिए हमारा 3:30 कितना? 3:30 मतलब 3.5 घंटे उसे लगे किसको? पहले वाले को। अब ये हमारा क्या मिनट है और ये क्या हमारा घंटा है, तो उसको भी मिनट में घंटे में बदलेंगे। निकालो दूरी, पहले व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, जो पहले छोटे भाई द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 12 गुणा दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणा समय। तो समय निकालेंगे, यहाँ चेंज कर लो उसे घंटे में, यहाँ चेंज कर लिया दोस्तों 3 घंटा 30 मिनट, इस मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से कर देंगे ना, 1/6 6 6 1 7 7/2 काट दो, ये समय आ गया 6 2 12 और 7 2 6 7 42 कितना? 42 किलोमीटर। इस छोटे वाले ने 42 किलोमीटर दूरी तय कर ली। अब ये चला 11 बजे और पहुँचा कितने बजे? 1:30 पर मतलब 13:30 पर। तो इसको कितना घंटा लग गया? घटा दीजिए 30 और 11 15 कितने बजे? 2 और 15 2 घंटे 15 मिनट से लगे, ठीक है। अब दूरी कितनी है? 42 है और टाइम कितना लगा इसे लगा दूसरे सेकंड वाले को टाइम लगा है 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट घंटे में चेंज करेंगे, पहले से 2/2 15/60 क्योंकि जब मिनट को घंटे में चेंज करते हैं 60 से भाग करते हैं, काट लीजिए 15 कम 15 15 6 60 4 2 8 और 8 1 9 9/4 घंटे लग गए उसे, 9/4 घंटे लग गए। पूछा क्या है? तो स्कूटर की गति कितनी होगी? अब हमारे पास क्या दूरी दे रखी है और समय दे रखा है, तो सेकंड वाले व्यक्ति की क्या चाल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बेसिकली बात है, ठीक है। 12 यहाँ लिख लीजिए, चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस कितनी हमारी? 42 और समय कितना हमारा? 9/4। अब ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ गुणा हो जाएगी 4 कितना कट जाएगा दोस्तों, काट लीजिए 3 से कटेगा, 3 3 9 और 4 3 42 और 4 4 56 56/3 18 3 54 18 2 बचा तो 18 सही 2/3 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल तो निकाली हमने किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन ए इसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी से बी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाती है और किंतु लौटने में बी से ए की वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से ज्ञात करती है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड इसकी फाइंड करनी है। तो आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को, क्या देखते हैं, जब भी हमें औसत चाल या एवरेज स्पीड निकालनी हो तो 2 × s1 × s2 / s1 + s2 लगा देंगे। और एक तरीका और इसका और है एलसीएम वाला, वो भी बताएंगे अभी हम। वो कब है दोस्तों, जब एक से अधिक चाल, दो से अधिक चाल हो, 3, 4, 5 चाल हो। अभी हमने क्वेश्चन कराया था समान चाल वाला, उससे हो जाएगा ठीक है। तो पहले इससे करते हैं, 2 गुना पहली स्पीड कितनी है इसकी, पहली स्पीड है 60, तो s1 60 और s2 40 दिया है और 60 + 40 2 × 60 × 40 60 और 40 100 सिंगल जीरो गया, दो जीरो से दो ही गया। अब ऊपर गुणा करो, 6 × 2 = 12 और 12 × 4 = 48। तो दोस्तों उसकी जो एवरेज स्पीड होगी कितनी होगी, 48, कितना 48। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो इसको सेकंड टाइप देख लेते हैं, क्या एलसी मेथड से देख लेते हैं, 60 और 40। अब दोस्तों इसका एलसी मिलना आएगा 120, कितनी बार गया हमारा, 2 बार और ये 3 बार, ये क्या हमारा समय। तो 120 बटे कितने होगा हमारे यहाँ पे, कर लीजिए कितने होगा 5 और गुणा दूरी कितनी है, मैंने बताया जितनी दूरी, 1, 2 दूरी है तो 200 गुणा, अगर 3 दूरी होती 300 गुणा, 4 दूरी होती तो 400 गुणा। तो कर दीजिए 24 × 120 और 24 × 48, यहाँ से भी क्या कितना आगे हमारा 48 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हमारी एवरेज स्पीड। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी इसे सवाल कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो उस मेथड से आप लगा सकते हैं ठीक है। दोस्तों मेरी सलाह रहेगी, अगर दो चालें देखी हैं तो इस फॉर्मूले प्रयोग करेंगे, जब 200 अधिक चालें हैं सवाल में, 2, 3, 4, 5 हैं तो इसका प्रयोग करेंगे ठीक है। इसका प्रयोग करेंगे कब, जब सवाल में 2 चालें दे रखी हों और हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो तो ये वाला लगाएंगे, जब सवाल में 3 से अधिक 4, 5 कितनी भी चाल दे रखी हों तो ये वाला तरीके लगाएंगे। करना क्या है, ये हमारी चाल है और ये हमारा टाइम है और ये हमारी ऐप की हमारी दूरी, मतलब एक्चुअल दूरी नहीं कह सकते, वास्तविक दूरी नहीं कह सकते, क्या दूरी मान लें ठीक है। एल सी हमारा कुल दूरी, ये कुल समय हमारा और ये क्या हमारी कुल दूरी। तो कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल कितनी आएगी 24 और दूरी कितनी है 1, 2 तो 200 गुणा, 3 होती तो 300 गुणा, तो 24 × 48 किलोमीटर। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। एक व्यक्ति कह रहा है यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलूं तो मैं बस से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। भाई जब भी आपको चाल, मतलब पहले और देर वाले क्वेश्चन मिले सवाल में ठीक है, जब भी आपको सवाल में एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो देखते क्वेश्चन को टिक कर देना। तो देखते चलते दोस्तों क्वेश्चन पर, करना क्या है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल, पहली चाल 4 और दूसरी चाल कितनी है 5 है बटे दोनों चालों का अंतर, 5 और 4 में अंतर कितना 1 और देंगे अंतर। अब यहाँ समय कितना लगा हमारा, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, ये क्या हमारा पहले और 5 मिनट बाद। दोस्तों अगर यहाँ पहले तो घटा देंगे और पहले और बाद हो तो उन समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अंतर है ये 10 मिनट पहले और ये 10 मिनट बाद है तो क्या अंतर कितना हो गया हमारा 15 मिनट का, मिनट, और ये क्या चाल हमारी घंटे में, तो इसको भी घंटे में बदल लो
15 बटे 60 काट दो, 1/4, 1/4 से गुणा कर दो यहाँ पर, 1/4, 4 से 4 के कितना आ गया, 5 किलोमीटर दूरी दोस्तों कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। जब भी आपको एग्जाम सवाल हो तो देखते ही टिक कर देंगे, ठीक है, दोनों चाल आएंगे ऊपर और दोनों चालों को अंतर और क्या समय, मिनट है तो घंटा बदल देंगे और घंटा है तो कोई बात नहीं डाटे इसकी गुणा कर देंगे। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, करा चुके हैं, चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं एक और। एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर दूरी तय, 80 किलोमीटर दूरी की यात्रा की, मतलब 7 घंटे में उसने 80 किलोमीटर दूरी की यात्रा की। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, दूरी है और समय तो चाल निकाल लेंगे। और कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से की। अब दोस्तों यहाँ पर 3 चाल आ गई, एक तो एवरेज चाल आ गई और 2 अलग अलग चाल आई। जब एक एवरेज चाल आया और 2 अलग अलग चाल हों तो माइंड में किसके शेप बननी चाहिए, एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन। चलो चलते हैं एलिगेशन में देखते हैं, पैदल देख लेते हैं, पैदल पैदल जो चाल है उसकी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और साइकिल वाली देख लेते हैं, साइकिल वाली कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। के एम में ऐसे आ जाता हूँ दोस्तों, कोई राइटिंग ध्यान नहीं देंगे, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालना मैं एवरेज स्पीड औसत चाल, तो 7 घंटे समय और 80 किलोमीटर दूरी है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 80/7, 80/7 लगा दो, 80/7। अब मैंने अभी आपको बताया कि नीचे वाली फ्रैक्शन खत्म करनी हो तो क्या करना होगा, मैं 7 से गुणा यहाँ कर दो और 7 से गुणा यहाँ कर दो और 7 से गुणा यहाँ कर दो, क्योंकि अनुपात में गुणा भाग करने पर अनुपात में कोई भी अंतर नहीं पड़ता, ये रेशियो वाले चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले। तो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 7/8 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 16/7 पता ही है कितने, 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना आ गया हमारा, 80। अब घटा लीजिए यहाँ से, बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करना है, 112 में से 80 गया तो 32 और 80 में से 56 गया तो 24, काट लीजिए, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32 और 8 3 24, ये क्या घंटा है, तो किसका टाइम का रेशियो है कितने में, किस में आएगा, घंटे में, 4 और 3 7। और सवाल में घंटे कितने दे रखा है, सवाल को देख लेते हैं, सवाल में टाइम दे रखा है कितना हमारा, 7 घंटे और यहाँ कितना है, 4 और 3 7, कुछ बोल जाते कुछ निकलता है, 4 और 3 7, 7 बराबर कितना, 7, तो 7 से 60 काट दीजिए, 1 बराबर 1। अब प्रोसेस में वही करना, ठीक है, 1 बराबर 1, 1 का मान 1 है तो यहाँ कितना, 100 यहाँ कर दो और 100 यहाँ कर दो, ये कितना आ गया, 4। अब ये क्या हमारा रियल टाइम आ गया, ठीक है, वास्तविक समय आ गया हमारा 3 और वास्तविक चाल कितनी हमारी, 8। अब क्या बूझा इसने, जो बूझा वो निकाल दीजिए, पैदल बूझा है तो पैदल की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा कितना यहाँ पर समय, 4 घंटे लिया है तो कर दो ना भाई, पैदल वाली क्या निकालना, मैं दूरी निकाली है तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 कितना 8 और समय कितना हमारा 4, तो 8 चौक 32 किलोमीटर, ये तो पैदल वाली आएगी। अब सवाल में पूछता कि भाई इसकी साइकिल कितनी है, तो साइकिल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, 16 गुना 3, 16 3 48 कितना 48। अब देखो 32 और 48 को ऐड कर रहे हैं तो टोटल स्पीड कितनी आ रही है, वो टोटल दूरी कितनी आ रही है, 80 80। अगर पैदल पूछता है तो 32 किलोमीटर, अगर साइकिल से पूछता है तो कितना 48 किलोमीटर। तो क्या पूछा है, सवाल देख लेते हैं, सवाल पूछा है पैदल वाली, पैदल दूरी कितनी हमारी, 32 किलोमीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें यार, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी है, मत करो कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था,
तो आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अंततः आपकी मर्ज़ी है लाइक करें या ना करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय टाटा।